नीट पेपर को लेकर उठे विवाद और कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के रद्द और स्थगित होने के बीच छात्रों का दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET और नीट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने NTA को खत्म करो और NTA को खत्म करो जैसे पोस्टर पकड़ रखे थे तथा NTA का संचालन करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को जवाबदेह ठहराने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग भी की। इस पूरे मामले पर छात्रों से बात की है हमारी संवाददाता खुशी राणा ने, देखिए खास रिपोर्टिंग। क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा आज 11 बजे सवेरे में नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी के गेट के ठीक सामने एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्य मुद्दे के तौर पर CUET का मुद्दा उठाया गया, साथ ही में नीट UG और PG का जो पेपर लीक का मामला था और जो पेपर रद्द का मामला था उस मामले को उठाया गया। छात्रों द्वारा इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CUET को लेकर इसमें एक नई चिंगारी नजर आ रही है। चिंगारी में आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2 दिन पहले CUET के UG और PG की आंसर शीट अपलोड की गई थी इंटरनेट पर। ऐसा बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि उस आंसर शीट में जो जवाब थे वो सवालों से मेल नहीं खा रहे हैं, वो सवालों के जवाब गलत नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वो जो आंसर की है CUET UG और PG की उसको किसी और आंसर की के साथ चेंज कर दिया गया, उसमें बदल हो गई है आप जवाबों के अंदर। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कोई ना कोई गलती ऐसी कोई लापरवाही बढ़ती गई है एजेंसियों द्वारा जिसका भुगतान बच्चों को छात्रों को करना पड़ा। इसी को लेकर हम बात नीट UG के मुद्दे करें तो एक के बाद एक CBI अरेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक के बाद एक जैसे लोग इस पूरे मामले को लेकर अरेस्ट किए जा रहे CBI द्वारा अलग अलग जगहों से देश की, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा लग भी रहा है कि जल्दी इस मुद्दे के ऊपर छात्रों को राहत मिल सकती है। इसी पूरे मामले को लेकर क्रांतिकारी संगठन के जो युवा के बच्चे हैं उन छात्रों ने, ये छात्रों का स्टूडेंट यूनियन का एक हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के जो अंदर बच्चे हैं उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया है, इसका विरोध प्रदर्शन द्वारा आगे रखा है, अपनी मांगों को आगे रखा है। और मांगों में उन्होंने ये बताया, जैसे कि आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं प्रदर्शन की, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर वो परेशान है कि एक के बाद एक कभी कोई एग्जाम, कभी नीट PG की बात आती है फिर नीट UG हो जाता है, उसके बाद से CISR नेट हो जाता है, UGC नेट हो जाता है, CUET UG और PG के आंसर की में फेरबदल नजर आता है। बच्चे और छात्र इतने परेशान नजर आ रहे हैं कि उनकी जो तैयारियां हैं पूरे एग्जाम की वहां पर बर्बाद होती नजर आती है। आपका क्या सोचना है मैं जरूर बताया कैमरे के साथ खुशी पंजाब के दिल्ली।